हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन साइकोलॉजी। मैं हूँ शार्दुल। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे पांच ऐप बताऊंगी जो अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो, और अगर आप साइकोलॉजी के हो तो वो ऐप्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो ये आपको जैसा कि मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी टेक्स्ट बुक, विजन बोर्ड, बहुत ही विजन बोर्ड, लर्न साइकोलॉजी और NTA नेट एग्ज़ाम। मैं एक एक ऐप के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगी। पहला ऐप देखते हैं, साइकोलॉजी ओपन हो रहा है ये, ठीक है। इसमें क्या है, स्टडी मटेरियल है, ठीक है। कुछ हैं जो अनलॉक हैं, आप चाहो तो इसको, ये पेड है, इसको आप पे करके बाय कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग के जो हैं वो हैं आपके फ्री वाले। तो इससे आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। पहला है जैसे इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। अब आप इसको खोलोगे, यहाँ पे आपको पांच टॉपिक मिल रहे हैं, इंट्रोडक्शन, व्हाट इज साइकोलॉजी, हिस्ट्री, ठीक है, और इससे करियर से लेके इसके बाद है प्रैक्टिस। तो सबसे बेस्ट क्या है, आपने इंट्रोडक्शन खोला, लेसन खोला, अब आपको इसमें मिलेगा ये इस तरीके से पूरा। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो, आप के लिए वैसे भी अगर आपको नहीं मिल रहा है कोई मटेरियल पढ़ने के लिए, तो इस तरीके से आप इससे पढ़ सकते हो। उसके बाद में आप सेकंड देखोगे, क्या है लास्ट में आपको खोलकर बताती हूँ। अगर मान लीजिए आपने लेसन की प्रैक्टिस कर ली है, ठीक है, तो लेसन की प्रैक्टिस कर ली तो आपने यहाँ पे करियर ऑफ साइकोलॉजी आपने पढ़ के पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये काफ़ी अच्छा मटेरियल दिया हुआ है। तो इसके बाद आप कहाँ जा सकते हो, प्रैक्टिस पे जा सकते हो। देखो इसमें आप क्वेश्चंस आपने कितने कंप्लीट किए हैं, ठीक है, कितने आपका टाइम है, कितने एवरेज आपने पर क्वेश्चन लिया हुआ है, जैसे यहाँ असेसमेंट स्टार्ट किया, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस दिखेंगे। इस तरीके से आप नेक्स्ट कर करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं अभी कुछ भी कुछ लगा रही हूँ, ठीक है, तो इस तरीके से क्या आ गया, 50% स्कोर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने आप को देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे रिव्यू करने के लिए भी दिया हुआ है, अब देख सकते हो कि आपने कौन सा क्वेश्चंस गलत किया है, कौन सा क्वेश्चंस सही किया है, इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, इसका यहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई हैं। उसके बाद यहाँ पे फ्लैश कार्ड भी रहता है, अदर देन पोटेंशली, मतलब इसमें क्या है, आपने कुछ कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ में भी चीज़ें दी हुई हैं, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं जिसको आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से कंप्लीट होता है, इस तरीके से आपको मिल जाता है। और अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो कुछ आपके चैप्टर्स हो गए और चैप्टर्स के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस हो गई, और ये सारा जो प्रैक्टिस वाले सेक्शन में है ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। इंट्रोडक्शन आपने पढ़ लिया तो आप आराम से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चंस कितने हैं, 16 हैं, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये पहला ऐप हो गया। तो ये आप रेगुलर बेसिस पर अगर 1-2 घंटे भी इस ऐप में स्पेंड करते हो तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है। सेकेंड हम देखते हैं साइकोलॉजी टेक्स्ट बुक। तो साइकोलॉजी टेक्स्ट बुक में क्या है, कंप्लीट टेक्स्ट बुक, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस, फ्लैश कार्ड और की टर्म फ्लैश कार्ड। अब देखिए क्या होता है, इसको हमने स्टार्ट किया, यहाँ पे आपको पूरा स्टार्टिंग में क्या मिल जाएगा, मैटर कि क्या है इसमें। अब हम जैसे देखते हैं लर्निंग, लर्निंग आपने ओपन किया, इसमें आपको इसके अंदर चार चैप्टर्स हैं, व्हाट इज़ लर्निंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंड कंडीशनिंग। हमको मान लो ऑपरेंड कंडीशनिंग पढ़नी है, आपने इस पर क्लिक किया, आपको इस तरीके से इसमें मिल जाएगी कि क्या होता है, क्या इसका मैटर है। इस तरीके से आप पूरा पढ़ सकते हो, ठीक है, इसमें पूरा डिटेल के साथ दिया हुआ है। इसके साथ में इसमें क्वेश्चंस आंसर्स भी दिए हुए हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कन्वर्सेशन ज्वाइन कर सकते हो, और इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं वो भी आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपने ये चार ऊपर आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, ठीक है, ये चार ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, तो इसमें लर्न आपने कंप्लीट कर लिया। अब आप जाओगे मल्टी MCQs में, ठीक है, यहाँ पे व्हाट हैपेंड, एक मिनट, मल्टीपल पे जाओगे तो यहाँ पे आप कुछ भी आपने जैसे लगाया कि डैश वेन यू टेक अवे प्लीज एंड
स्टिमुलस टू स्टॉप बिहेवियर, तो इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव रेनफोर्समेंट बोलते हैं, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट बोलते हैं, पॉजिटिव। मान लीजिए आपने आंसर लगा दिया नेगेटिव, ठीक है, अब आपको चेक करना है कि आपका आंसर क्या है। अब चेक करोगे, ठीक है, तो क्या आएगा, रॉन्ग आंसर आएगा। अब आपको इसको कंटिन्यू करोगे, आप आज क्वेश्चन कर सकते हो, कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो यहाँ पे भी, ठीक है। सही आंसर क्या है, नेगेटिव पनिशमेंट, जिसमें सही आंसर आपको दिख गया, आप कंटिन्यू करोगे, आपको दूसरा आंसर मिलेगा। इस तरीके से आप कंटिन्यू उसको टेस्ट को दे सकते हो, और साथ में सेम क्वेश्चंस के साथ में आप कन्वर्सेशन भी स्टार्ट कर सकते हो। तीसरा क्या है, ऐसे। ऐसे में क्या रहता है, वॉट इज स्किनर बॉक्स एंड वॉट इज इट्स पर्पस, ठीक है। आपने फ्लिपकार्ट यहाँ पर किया तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि इसका आंसर क्या है, स्किनर बॉक्स इज एन ऑपरेंट कंडीशनर चैम्बर एंड लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद ऐसे तीन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, और फिर यहाँ पे टर्म भी दिया हुआ है कि कॉग्निटिव मैप, तो जब आप ये करेंगे तो मेंटल पिक्चर ऑफ अ लेआउट ऑफ एनवायरमेंट इज कॉल्ड कॉग्निटिव मैप। तो इस तरीके से आपको कुछ टर्म्स भी देखने को मिलेंगे, है ना, इसको बैक भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो और इसी के साथ में आप कन्वर्सेशन भी ज्वाइन कर सकते हो, तो ये बहुत ही यूज़फुल ऐप है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो साइकोलॉजी से, आप यूजीसी नेट प्रिपेयर कर रहे हो दिसंबर के लिए या नेक्स्ट जून के लिए, ऐसे मैं तो कहूँगी आपको दिसंबर पे ही फोकस करना चाहिए, भले ही आपकी कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हो, तो आज से और अभी से स्टार्ट करो। इस तरीके से पूरे 16 इसमें चैप्टर है, और इसके अंदर भी आपको सब टॉपिक मिलेंगे, ठीक है। लाइक यही हमने खोला, ठीक है, लास्ट चैप्टर थेरेपी ट्रीटमेंट, इसके अंदर आपको सारे ट्रीटमेंट, टाइप ऑफ ट्रीटमेंट मिल गया, मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट, पास्ट एंड प्रेजेंट, ठीक है। इस तरीके से ये बहुत ही अच्छा ऐप है, आपके पास में ये ज़रूर होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे अभी फोर्थ वन, ठीक है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये देखेंगे लर्न साइकोलॉजी करके जो ऐप है, ये ऐप मेरा नहीं है, ठीक है, मेरे चैनल का नाम भी जैसे लर्न साइकोलॉजी, पर ये ऐप मेरा नहीं है, मुझे अच्छा लगा तो इसलिए मैंने इसको डाउनलोड किया। इसमें भी सारा टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं, या आप इंट्रोडक्शन यहाँ से देख सकते हो, इसमें सारी चीज़ आपको मिली, काफ़ी अच्छी लैंग्वेज में इसमें दिया हुआ है, इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है। जैसे इसमें आप देखते हो मेमोरी चैप्टर, जिसमें मेमोरी, फॉरगेटिंग, इंटेलिजेंस क्या है, रिलैक्सेशन, हिप्नोसिस क्या है, तो इस तरीके से आपको देखो ये पूरा डिटेल में दिया गया है, तो आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हो, काफ़ी डिटेलिंग में इसमें एक एक चीज़ दी है। अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, मान लो आपने पूरा नहीं पढ़ा है, आधे ही पढ़ा है, तो आप यहाँ पे नॉट कंप्लीटेड टिक कर सकते हो, तो इस तरीके से आप ये कंप्लीट कर सकते हो। एटलीस्ट अपने, मतलब आपको तो थ्योरी बुक खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है, इवन प्रैक्टिस भी आप किसी से हो रही है, तो इज़ इट पॉसिबल कि आप बिना बुक के क्लियर कर लो यूजीसी नेट, तो यस, जब आपके पास मटेरियल है तो आपको क्या ही ज़रूरत है। और जहाँ तक रही प्रीवियस क्वेश्चंस की बात, तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत जल्द स्टार्ट करने वाली हूँ, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे भी क्लिक करें, ताकि आप हमसे जुड़े रहें और यूजीसी नेट के प्रिपरेशन साथ में हम करते रहें, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँगी एनटीए नेट एग्ज़ाम, ये जो फिफ्थ वाला है, इसमें ये बहुत अच्छा है, मतलब यू मस्ट हैव दिस ऐप। इसमें देखो जो भी बुक्स हैं, ये फिलोसफी के लिए हो गई, ये नेट के लिए, इसमें सारी चीज़ें दी रहती हैं, इसमें आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें जैसे ऊपर आपको देख रहे हो सिलेबस क्या है, अपडेटेड सिलेबस क्या है, ऑटोमेटिकली इसमें चलता रहता है, आपको जो भी चाहिए आप उसमें क्लिक कर सकते हो। जैसे आपने इसमें खोला, इसमें देखो यूजीसी की जितनी भी बुक्स थी वो आपको मिल गई, जब हमने फर्स्ट चीज़ क्लिक करी, ठीक है, तो आप कहाँ कहाँ से ये बुक मंगा सकते हो वो भी इसमें लिखा हुआ है, और जितनी भी यूजीसी नेट के लिए साइकोलॉजी की जितनी बुक होंगी, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम की, वो सब यहाँ पे शो होंगी, कि बहुत ही बेस्ट है। इसमें देखिए एनटीए 2019 का जो जून का रिजल्ट आउट हुआ, आप यहाँ से अपने आंसर, मतलब इस ये नेट की हर इंफॉर्मेशन आपको देगा, आप नोटिफिकेशन ऑन करो तो ऑटोमेटिकली वैसे नोटिफिकेशन इसमें आ जाता है, जून की डेट कब आउट हुई, अगर आप दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें बता देगा कि कब डेट आउट हुई है, कब फॉर्म आउट हुए हैं, कब आपको फिल करने हैं, तो इस तरीके से तो आप इसको कर सकते हो। नोटिफिकेशन भी आ जाता है ना, यहाँ अगर आप बैक करते हो तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलता है, टॉप 10 फ्री बेस्ट रिसोर्सेज टू क्रैक गेट, आपको इसको देखना चाहिए। फिर लर्नर कैरेक्टरिस्टिक नोट्स जो हैं वो भी आपको इसमें मिल जाते हैं, अगर आप पढ़ रहे हो तो नोट्स भी इसमें आपको मिलते हैं,
एप्लीकेशन ऑफ ICT इन रिसर्च, इस तरीके से आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट हायर एजुकेशन बॉडी शॉर्ट नोट्स है ना, तो इस तरीके से आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अगर आप दूसरे गुजराती या कुछ उर्दू या तमिल आप दूसरे लैंग्वेज से बिलोंग कर रहे हो तो उसमें भी आपके लिए बुक्स जो हैं वो रिकमेंडेड बुक कौन सी हैं वो आपको यहाँ पे शो होती हैं। तो इस तरीके से बहुत ही यूज़फुल ऐप है ये, यू रियली रियली मस्ट हैव दिस। अगर आप इसको क्लिक करोगे जो ऊपर ऐड चल रहा था लाइक आई क्लिक, तो इसमें आपको ये सारी डिटेल्स आ जाती हैं है ना, मतलब पूरा आर्टिकल आप पढ़ सकते हो कि क्या है क्या नहीं है। वेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर UGC नेट एग्ज़ाम 2019 यू आर फुल ऑफ डाउट्स देन हाउ टू क्रैक, तो ये आपको सारी गाइडेंस देगा, सारी चीज़ें बताएगा कि किस तरीके से आप कर सकते हो चीज़ें। फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन कौन कौन से हैं, तो इसमें आपको सारे आंसर्स आपके मिल जाएंगे, मतलब आपको A to Z सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। तो बहुत ही बेस्ट ऐप है, तो ये आप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ जो 3 पॉइंट्स बने हैं यहाँ आप बुक मार्क भी कर सकते हो, जो आपको सही लगता है जो पढ़ रहे हो उसमें बुक मार्क कर सकते हो, अपना फॉन्ट साइज बढ़ा या घटा सकते हो इस तरीके से है ना, यहाँ नोटिफिकेशन जो है वो आप कर सकते हो। ये नोटिफिकेशन जैसे भी कुछ देर पहले आया था तो आप मान लो तुरंत नहीं देख पाए, लेट सपोज आप नहीं देख पाए तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हो, थोड़ी देर बाद आप चेक कर सकते हो उस तरीके से। लास्ट में मैं आपको बता रही हूँ विज़न बोर्ड, ये UGC नेट से रिलेटेड नहीं है बट ये बहुत अच्छा ऐप है, यू रियली मस्ट हैव दिस ऐप। इसमें क्या है, आपके जो विज़न होते हैं, आपको UGC नेट दिसंबर क्रैक करना है, अगर आपको रिसर्चर बनना है तो आप यहाँ पर एज अ रिसर्च करते हो, या मतलब आपको ऐसी कोई पिक लगानी चाहिए कि हाँ आप रिसर्च कर रहे हो, लाइक यहाँ पे आप ये लास्ट में जो प्लस वाला ऐप बना हुआ है इस पर क्लिक करोगे, यहाँ आप अपना विज़न लिखोगे लाइक रिसर्च, ठीक है रिसर्चर, यहाँ आपने आपको एज अ कैरियर चाहिए या एज अ जॉब चाहिए जो भी, ठीक है यहाँ आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो कि आपको किस तरह का रिसर्चर बनना, आपको कब तक बनना है, आप यहाँ पे एंड ऑफ यहाँ पे डेट डाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अपनी डेट यहाँ पे आप अपनी डेट डाल सकते हो कि आपको कब तक बनना है, फिर यहाँ आप कोई ऐसी इमेज जो आपको बहुत मोटिवेट करती हो रिसर्चर बनने के लिए, तो आप यहाँ क्लिक करके गैलरी पे जाके है ना, इस तरीके से आप कोई भी अपनी लाइक मैं ऐसे ही ये चूज़ कर लेती हूँ, ठीक है और यहाँ पे मैंने अपलोड कर दी, तो ये क्या होगी इस तरीके से ये शो होने लगेगी जब ओके करोगे आप, और जब प्ले करोगे तो इस तरीके से आपको कि मुझे ये वाली चीज़ चाहिए चाहिए इस तरीके से, ठीक है। तो बहुत आपको क्या होता है कि जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अगर जानते हो कि जब आपको एक विज़न बोर्ड आप प्रिपेयर करते हो, रोज़ उसको देखते हो, तब आपको रोज़ एहसास होता है कि अच्छा ये मेरा एम है, मुझे इसी एम की तरफ आगे बढ़ना है, लाइक इसमें लाइफ पर्पस जो ऑप्शन है आप यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है आप यहाँ पर लिख सकते हो आपका लाइफ पर्पस क्या है, आप कैसी ज़िंदगी चाहते हो अपनी, तो इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हो आपकी विज़न क्या है, लाइक इसमें लिखा हुआ आई एम कॉन्फिडेंट इंटेलिजेंट हैप्पी एंड हेल्दी, तो ये एग्जांपल के तौर पे लिखा हो, अगर आप चाहो तो इसे भी कंटिन्यू कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे अपने खुद के विजन्स लिख सकते हो, ठीक है गोल्स लिख सकते हो कि बाय अगस्त 2019 माई गोल इज़ टू गेट न्यू 100 क्लाइंट्स फॉर अ कंपनी, लाइक आप कंपनी में अगर काम नहीं कर रहे हो आपको ऐसे कोई क्लाइंट्स नहीं ढूंढने होते हैं, तो आपके जो गोल हैं कि आपको UGC नेट क्लियर करना है दिसंबर 2019 का, तो आप वो यहाँ पर लिख सकते हो। तो इस तरीके से बहुत ही, और अफर्मेशंस की आपको मालूम है अफर्मेशंस कितने ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, जब भी आप अफर्मेशंस बोलते हो दैट आई एम थैंकफुल टू द यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग इन माई लाइफ, तो जिन चीज़ों के लिए आप थैंकफुल होते हो, जो आप अपने की मेरी लाइफ में सारी अच्छी चीज़ें, तो आप वैसी ही चीज़ों को और अट्रैक्ट करते हो। तो इस तरीके से आप डेली अफर्मेशन पढ़ सकते हो, साथ में आप सुन भी सकते हो, जब आप प्ले करते हो तो आप इस तरीके से सारे अफर्मेशंस सुनते हो, और अगर आप चाहो तो खुद बोल भी सकते हो, रिपीट भी कर सकते हो, तो बहुत ही अच्छा रहता है ये, आपको बिल्कुल डेली बेसिस पे सुनना चाहिए। जर्नलिज्म में अगर आपको कुछ नोट्स अपने प्रिपेयर करने तो आप वो भी प्रिपेयर कर सकते हो यहाँ पे। तो ये 5 ऐप हैं जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है,
साइकोलॉजिकली आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये 4 ऐप्स तो आपके पास होनी चाहिए, और विज़न बोर्ड आपके लिए एक किक्का काम करेगा। अगर आप सारे ऐप यूज़ कर रहे हो तो विज़न बोर्ड आपके लिए किक्का काम करेगा कि हाँ आपको ये विज़न है आपका, ये गोल आपको इतने समय तक चाहिए ही चाहिए है। तो इस तरीके से ये मुझे लगा कि ये बहुत ही यूज़फुल ऐप है, तो इसलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर करना चाहिए। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर और मैं अभी जो प्रीवियस पेपर की सीरीज़ है वो स्टार्ट करने वाली हूँ तो मुझसे जुड़े रहिएगा। कमेंट बॉक्स में अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो वो भी आप ज़रूर डालिएगा। मैं कोशिश करती हूँ हमेशा हर बार अप्लाई करने की। बाकी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और ये ऐप्स मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर ज़रूर डाउनलोड करें, खासकर ये 5th 1 विज़न बोर्ड। अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट ये लास्ट 3 ऐप्स तो आपको ज़रूर डाउनलोड करनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो जिस नेट के लिए। थैंक यू सो मच।